ठावलेजी डेप्यूटी चेयरमैन सर, जिस तरह 370 कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में अच्छी प्रगति हो रही है, तो भी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ की जो लोकल भाषा है डोगरी कश्मीरी, उनको मतलब ऑफिशियल दर्जा देने का ये जो बिल है, इस बिल का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो हमें अच्छी लगती है डोगरी और कश्मीरी भाषा, प्लीज हमें अच्छी लगती है डोगरी और कश्मीरी भाषा, पाक व्याप्त कश्मीर भारत में आएगा ये है हमें आशा, पाकिस्तान का हम बजा देंगे ताशा, पाकिस्तान का हम बजा देंगे ताशा, क्योंकि हमें अच्छी लगती है डोगरी और कश्मीरी भाषा। तो इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ, और मुझे दुख भी हो रहा है कि सामने वाला पूरा खाली है, कि सामने वाले जो ये गड़बड़ करते हैं, मतलब जो दिन उसी दिन हो गया था वो अच्छा नहीं है, उन्होंने हाउस में आना चाहिए था, जिनको सस्पेंड किया उन्होंने बाहर रहना है, बाकी जिन्हें अंदर आना चाहिए, और ये नहीं आएगा तो उनको भी सस्पेंड करना होगा। ऐसा भी कुछ ये कहा था कानून बनने की आवश्यकता है, तो ठीक बात है, तो वो इसे नहीं है, लेकिन ये डोगरी भाषा और कश्मीरी भाषा का हम पूरा समर्थन करते हैं। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी, देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।